आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड सबके होते हैं, बट वो फ्रेंड मतलब ही इज़ रियली वेरी अडिक्टेड टू ड्रग्स एंड ऑल. ओके, सो ही इज़ एडमिटेड इन देहरादून एंड उसकी हालत ऐसी हो रही है ना कि मतलब बस ही इज़ टोटली नो गॉन. एंड मुझे बहुत ही मतलब रोना आता है जब मैं बोलती हूँ. तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलती हूँ कि तुम्हारी जो लाइफ है वो इतनी कीमती है ना तुम्हारे लिए. मैं मतलब सबको बोलती हूँ कि स्टॉप इट, बट नो वन डज इट. बिकॉज जब तुम लोग मतलब कुछ भी करते हो ना, तो एक बार अपने मॉम और डैड के बारे में तो सोच लो, जिन्होंने तुम्हें मतलब स्कूल भेजा, यही सब करने के लिए भेजा है. नो इवन सीरियस आई डोंट इवन थिंक सो दैट दे हैव सेंड यू फॉर दिस शिट. एंड सीरियसली दैट्स पैथेटिक डूड. आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए. अभी आप लोगों की ना तो एज है, ना ही बड़े होंगे तब आपको करना चाहिए. अगर एक बार जब लत लग जाती है ना किसी चीज़ की, सो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ओवर. आपके मॉमडा जब यही सुनते हैं, जैसे सर ने बोला, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के, सर ने जैसे बोला कि उनको कितना दुख होता है. और सीरियसली आप लोगों की मॉम डैड की जो उम्र होती है वो माइनस हो जाती है. अगर आपको उनकी ऐड करनी है ना, तो उनकी आप सेवा करो, जो वो काम बोलते हैं वो करो, कुछ अच्छा काम करो, कुछ बनो देश के लिए. आर्मी भी जाओ, एनडीए के एग्जाम दो, आप कुछ भी करो, बट स्टॉप ऑल दिस. और एक मतलब अपना बस एम बना दो कि हाँ बस माँ बाप का नाम रोशन करना है, डुबाना नहीं है. जब जैसे पता चलता है, हमारे स्कूल में भी बहुत पता चलता है कि आज मतलब बॉयज ने ये किया, वो किया, सो किया, तो जब आपके पेरेंट्स को पता चलता है, सो डू यू इवन नो दैट हाउ दे फील? इट इज रियली पैथेटिक फीलिंग दे गॉट. और सीरियसली मतलब बॉयज को मतलब इतना तो वो होना चाहिए कि सर उस है अभी एडमिट है देहरादून में. कहाँ का स्टूडेंट था, कहाँ पढ़ता था और कब शुरुआत हुई? कभी आपने रोकने की कोशिश की या सर? सीरियसली सर, हम लोगों का एक ग्रुप था, हम लोग फुटबॉल खेलते थे. तो हमने कितना बोला सर, एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन मैच हुआ फुटबॉल का, सो ही वाज प्लेइंग गोल, बट उसके लिए मतलब हालत नहीं होती, कुछ नहीं होता. हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ वगैरह वगैरह, तो उसकी हालत देख के हमने पता लगा लिया. हमने उसको कितना समझाया सर, हमने उसको कितना इमोशनली सर, मतलब वो स्मैक बोलते हैं ना, स्मैक और वगैरह, ये बॉन्ड देहरादून का ही बच्चा, ये सब नहीं का बच्चा, और ये बॉन्ड वगैरह ये सब करता था. तो हमने इसको कितना मतलब उसके डिसएडवांटेजेस बताए. एडवांटेज की पहली बात होते नहीं है. एक लाइन में इनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सभी दोस्तों को, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए? आई जस्ट वांट टू से दिस दैट स्टॉप इट एंड प्लीज थिंक अबाउट योर मॉम एंड डैड, हाउ दे फील. दे सीरियसली लव यू, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू लव देम, यू लव देम सॉरी. अगर आपको सीरियसली उनसे प्यार है तो प्लीज 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 स्टॉप इट. आपकी लाइफ बहुत कीमती है उनके लिए.